यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों में सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर रिट दायर की गई थी। रवि सक्सेना आदि की इस रिट पर आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी विनय पांडे ने बताया कि इस मामले में कई रिट दाखिल हुए हैं, उम्मीद है कि सभी पर एक साथ सुनवाई होगी। इसमें एक ही भर्ती में कई बार आरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। शाजापुर में वकील की दबंगों ने पिटाई कर दी। मामला सिंजय मोहल्ले का है। कार में टक्कर के बाद विवाद हो गया था। शाहबाद नाम के वकील की 2 दिन पहले बाइक सवार फैजान और फरहान से कार में टक्कर हो गई थी, जिसके बाद झगड़ा हुआ। विवाद में फैजान और फरहान ने शाहदाब वकील की घर में घुसकर पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। वहीं घायल वकील को मेडिकल के लिए भेजा गया है। अमरोहा के हिल्टन स्कूल में बच्चे के नॉनवेज लाने के मामले से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है। क्लासरूम में प्रिंसिपल का बच्चे को सबके सामने डांटते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्लास के सभी बच्चों से बारी बारी नॉनवेज लाने वाले बच्चे के बारे में पूछते हुए दिख रहे हैं। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आपको बता दें, टिफिन में नॉनवेज लाने के बाद स्कूल से बच्चे को सस्पेंड कर दिया गया था। इस मामले में बच्चे की माँ के साथ प्रिंसिपल की बहस भी हुई थी। मामले की जाँच के लिए जिला प्रशासन ने 3 सदस्यीय टीम गठित की है। अब इसका एक वीडियो और सामने आया, जिसमें प्रिंसिपल क्लासरूम में बच्चे को डांटते दिख रहे हैं और बच्चा रो रहा है। क्यों है आपके ये? हैं? तो फिर ये बातें जो कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं सब? सर ही कह रहे हैं। या तो कहीं से झूठ बोल रहे हैं ये? जल्दी बोलो, ये झूठ बोल रहे हैं। बरेली में मस्जिद पर एक दिन में 3 ऊंची-ऊंची मीनारों का निर्माण करने का हंगामा शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों ने अवैध निर्माण का विरोध जताया है। मामला किला थाना क्षेत्र के मलूकपुर के मंसूरी मस्जिद का है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद जिला प्रशासन के आदेश पर अवैध निर्माण को तोड़ा गया। मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने की जानकारी होने पर IMC प्रमुख तौकीर रजा मौके पर पहुंच गए। तौकीर रजा के पहुंचने पर इलाके में तनाव बढ़ गया। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।